जैसा कि दोस्तों मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं, इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसे स्मार्टफोन को सेलेक्ट करा है जिसके बैक पैनल में आपको 8GB लाइट मिल जाती है, वो भी अलग अलग कलर्स के साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इंडिया के अंदर 5G कनेक्टिविटी हर जगह पे आ चुकी है, तो अनलिमिटेड नेट चलाने के लिए 5G स्मार्टफोन तो होना चाहिए। तो अगर आपका बजट है 15,000 रुपये और उसमें आपको चाहिए एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बेस्ट 4 स्मार्टफोन को सेलेक्ट करा है जिनको आप आंख बंद करके बाय कर सकते हैं और 15,000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे। तो गाइस यहां पर आपको एक 8GB लाइट वाला स्मार्टफोन मिलेगा और उसी के साथ आपको 68W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और वही 120Hz की स्मूथ डिस्प्ले मिल जाती है, वो भी एमोलेड, और 108MP का कैमरा सेटअप मिलता है और भाई लंबी बैटरी मिल जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो भाई देखो, यहाँ पे कोई भी रैंकिंग वाइज स्मार्टफोन नहीं रखे, मैंने सारे बेस्ट स्मार्टफोन को ऐड करा है और कुछ ही यहाँ पर आपको न्यू स्मार्टफोन मिल जाते हैं जो कि लेटेस्ट में लॉन्च हुए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए नवेले स्मार्टफोन से जो कि रियलमी की तरफ से आता है, रियलमी 11X 5G स्मार्टफोन है। तो गाइस ये स्मार्टफोन अभी फिलहाल के अंदर ही लॉन्च हुआ है, तो अब इस स्मार्टफोन के मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बैक में प्लास्टिक वॉडियर और डिजाइन वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती है और ये एक नए डिज़ाइन के साथ आपको मिलता है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 पर रन करता है और भाई 7.9mm की थिकनेस है, यानी 190g का ये स्मार्टफोन है। तो आपको काफ़ी लाइटवेट सा स्मार्टफोन मिलता है और हैंडी स्मार्टफोन है। तो अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है, यानी 6.72 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले जो कि एक IPLCD पैनल है, जिसके साथ आपको मिलता है 120Hz का स्मूथ डिस्प्ले और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट है। तो भाई पंचोल कटआउट के साथ मिलता है और 550 nits की पीक ब्राइटनेस है। तो इनडोर में तो आपको काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले मिलने वाली है, आउटडोर में भी अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, कलर्स वगैरह, वो आपको अच्छे मिल जाते हैं। एंड अब इसके कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। तो बैक में 2 कैमरे मिलते हैं, जिसमें मेन कैमरा 64MP का और 2MP का डेप्थ सेंसर, इसके फ्रंट में 8MP की सेल्फी। तो इसके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। तो कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, यानी डेलाइट कंडीशन में आप इससे अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस इस चिपसेट पे आने वाला ये एक पहला स्मार्टफोन है जो कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी जो कि 6100+ चिपसेट है। तो गाइस इसमें आप 40fps तक गेमिंग कर सकते हैं, तो गेमिंग वगैरह में आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और यहाँ पे आप 6GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं जो कि भाई किसी काम की तो नहीं है। इसके अलावा ट्रिपल कार स्लॉट मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए 33W की चार्जिंग मिल जाती है जो कि बॉक्स के अंदर ही आपको मिलता है। तो भाई यहाँ पे बैटरी एक दिन तो आराम से चल जाएगी। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। तो अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस 6GB रैम 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है। तो गाइस फर्स्ट सेल के अंदर ये स्मार्टफोन आपको 14,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको एक अच्छी डिजाइन वाला स्मार्टफोन चाहिए, उसी के साथ आपको 120Hz की स्मूथ डिस्प्ले चाहिए और गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं जो है कि इन्फिनिक्स नॉट 30 5G स्मार्टफोन है। तो गाइस देखो डिजाइन के मामले में तो ये स्मार्टफोन अच्छा है और बैक में प्लास्टिक वॉडियर डिजाइन काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 पर रन करता है और काफी लाइटवेट सा स्मार्टफोन है, क्योंकि 204g का ये स्मार्टफोन है, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्मार्टफोन है और भारी स्मार्टफोन है। तो अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है, यानी 6.7 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले जो कि 120Hz की स्मूथ डिस्प्ले मिलती है एंड 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट है और जो कि पंच होल कटआउट के साथ मिलता है और NEG ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है और वहीं पर आपको मिलती है 580 nits की पीक ब्राइटनेस। तो भाई डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना, वो आपको टॉप नॉच मिल जाती है, यानी क्वालिटी और कलर्स, व्यू एंगल्स वगैरह भी आपको तगड़े देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप मूवी वगैरह देखते हैं तो उसके लिए ये स्मार्टफोन अच्छा रहेगा। इसी के साथ कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो बैक में 3 कैमरे मिलते हैं, जिसमें मेन कैमरा 108MP का है और 16MP की सेल्फी।
तो भाई इसके बैक कैमरे से 2K तक और फ्रंट कैमरे से 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पर। तो देखो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है, यानी डे लाइट कंडीशन में आप अच्छे फोटो क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पर कैमरे के अंदर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6080 वाला चिपसेट मिल जाता है जिसमें आपको 7 5G के बैंड्स मिलते हैं और जो कि 6 nm वाला प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आपको 4.5 लाख के अराउंड अंतुतु स्कोर मिल जाता है। तो भाई गेमिंग एक्सपीरियंस तो यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाता है, यानी 40 fps तक आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं और 4GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, यानी 2 SIM लगा सकते हैं और एक अलग से SD कार्ड लगा पाएंगे। और भाई पावर के लिए यहाँ पर आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी है एंड 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। देखो जनरली 33W आपको मिलती है इस प्राइस के अकॉर्डिंग, बट इसके अंदर आपको 45W मिलती है जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। तो अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो 4GB रैम 128GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस आपको 15,000 रुपये मिलती है एंड 8GB रैम 256GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस आपको 16,000 रुपये मिलती है। तो भाई आप अपने बजट के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन बाई कर सकते हैं कि अगर आपको बड़ी रैम और स्टोरेज चाहिए, उसी के साथ अच्छा कैमरा सेटअप चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन अच्छा रहेगा। लेकिन एक माइनस पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो एकदम एवरेज है और यहाँ पर आपको एड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आपके लिए स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका जो सेकंड नंबर वाला स्मार्टफोन है जो कि पोको की तरफ से आता है, पोको X5। तो गाइस आपके मन में सवाल होगा कि भाई इस स्मार्टफोन को दूसरे नंबर पर रखा है तो पहले नंबर पर कौन सा स्मार्टफोन है। तो भाई पहले नंबर पर एक लेटेस्ट स्मार्टफोन को रखा है जो उसके अंदर आपको एकदम टॉप नॉच के फीचर्स मिलते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो पहले इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। बैक में प्लास्टिक बॉडी है, डिजाइन वगैरह यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है। डिजाइन के मामले में तो ये स्मार्टफोन अच्छा है एंड इसी के साथ ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है और भाई काफी लाइट वेट सा स्मार्टफोन है क्योंकि 7.9 mm की थिकनेस है और 188 ग्राम का वजन यहाँ पर आपको मिलता है। तो अब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एकदम टॉप नॉच की डिस्प्ले मिलती है, यानी यहाँ पर आपको मिलती है कि एमोलेड डिस्प्ले जिसके साथ 120Hz का स्मूथ डिस्प्ले एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट है जो कि एक पंच होल कटआउट के साथ मिलता है और भाई 1200 nits की पीक ब्राइटनेस है। तो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना वो यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिलती है, कलर्स वगैरह हो या फिर मूवी वगैरह देखते हैं उसके लिए ये टॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर आपको जो बेजल्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलते हैं। इसके अलावा कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं, तो बैक में 3 कैमरे मिलते हैं जिसमें मेन कैमरा 48 MP का है और भाई 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और इसके फ्रंट में 13 MP की सेल्फी। तो इसके बैक और फ्रंट कैमरे से 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पर। देखो कैमरा क्वालिटी तो यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है, कैमरे के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कैमरे के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मिलता है एक क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट है जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है और 4 से 4.25 लाख के अराउंड अंतुतु स्कोर मिलता है। तो भाई जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपका अच्छा होने वाला है और 5GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं। ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, यानी 2 SIM लगा सकते हैं और एक अलग से SD कार्ड लगा पाएंगे। इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो बैटरी तो एकदम आराम से चल जाएगी। इसी के साथ सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। तो अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो भाई 6GB रैम 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिलती है 15,000 रुपये के अंदर इजिली बाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है कि भाई आपको कस्टमाइज वगैरह ज़्यादा करते रहते हैं और अच्छी डिस्प्ले चाहिए, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी हो, यानी एक ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए, तो मेरे ख्याल से इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं, यानी गेमिंग के लिए भी आप इस स्मार्टफोन को बाई कर पाएंगे। तो आपके लिए स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका जो पहले नंबर वाला स्मार्टफोन है जो कि टेक्नो की तरफ से आता है, टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G स्मार्टफोन है। देखो
आज तक मैंने इस बजट के अंदर इतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन अभी तक नहीं देखा है, जो कि इसके अंदर जो टॉप नॉच के फीचर्स मिलते हैं शायद ही किसी स्मार्टफोन के अंदर आपको फीचर में मिलेंगे। तो पहले इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो बैक में प्लास्टिक बॉडी है और भाई यहाँ पर आपको मिलती है RGB लाइट, यानी अगर आप अपने स्मार्टफोन को बूट करते हैं या फिर नोटिफिकेशन आती है या फिर अगर आप म्यूजिक वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर आप अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं और तरह तरह के कलर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि भाई देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है। इसी के साथ ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है और यहाँ पर थोड़ा भारी सा स्मार्टफोन है क्योंकि काफी बड़ा स्मार्टफोन है, 220 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो अब इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक IPLCD पैनल मिलता है जो कि 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और पंच होल कटआउट के साथ मिलता है और भाई 480 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी देखी जाए ना वो काफ़ी टॉप नॉच की मिल जाती है और बेजल्स वगैरह जो चिन है ना वो बहुत ही कम है, तो डिस्प्ले में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। कैमरे के बारे में बात करें तो बैक में दो कैमरे हैं जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। खास बात मुझे ये लगी क्योंकि इसके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि एक अच्छी बात है। तो भाई कैमरा क्वालिटी यहाँ पे आप देखोगे ना कलर एक्यूरेसी है वो अच्छी मिल जाती है, डेलाइट कंडीशन में अच्छे फोटो निकल के आ जाते हैं। इसी के साथ आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6080 वाला चिपसेट है और भाई 4.5 लाख के अराउंड अंतु स्कोर मिल जाता है। तो गेमिंग वगैरह आप इस स्मार्टफोन में 40 FPS तक कर पाएंगे और 6 NM वाला प्रोसेसर है तो बैटरी काफ़ी लंबी चलेगी और वैसे भी यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और भाई उसी के साथ आपको मिलता है 68W की फास्ट चार्जिंग, यानी यहाँ पर आप 15 मिनट के अंदर 50% स्मार्टफोन को चार्ज कर देता है। तो भाई वैसे भी आप फटाफट से स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं अगर आप जल्दी गेमिंग वगैरह कर लेते हैं, तो भाई यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी मिल जाता है। तो इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो साइड माउंट फिंगर फेस अनलॉक का सपोर्ट है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। तो अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है यानी यहाँ पे 8GB रैम, 128GB का स्टोरेज है और जिसकी प्राइस आपको मिलती है 15,000 रुपए के अंदर और भाई 8GB की वर्चुअल रैम आप इस स्मार्टफोन के अंदर एड कर सकते हैं। तो भाई काफी टॉप नॉच का स्मार्टफोन यहाँ पर आपको मिल जाता है। देखो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिल जाती है, इसी के साथ भाई 68W की फास्ट चार्जिंग, 120Hz की स्मूथ डिस्प्ले, सबसे अच्छी बात है RGB लाइट जो कि इस बजट के अंदर आपको नहीं मिलती है। तो भाई मेरे ख्याल से एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आपको मिल जाता है, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस ये थे आपके बेस्ट 5G स्मार्टफोन जिनको आप खरीद सकते हैं 15,000 रुपए के बजट के अंदर। तो अगर आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।